मध्य प्रदेश के बड़वा में पुलिस ने कई एटीएम तोड़ने वाले शातिर चोर को धर दबोचा। ये चोर बैंक और एटीएम को ही निशाना बनाता था। पुलिस ने बदमाश से 2.25 लाख नकद, 3 मोबाइल, 1 बाइक, गैस कटर, गन कटर सहित कई उपकरण जब्त किए हैं। बलवाड़ा की बैंक ऑफ इंडिया में स्ट्रॉन्ग रूम की तिजोरी काटने का प्रयास किया था। मामला ऐसा है कि इसी महीने में 7 और 8 तारीख को, 7 और 8 की दरमियानी रात में हमारे यहाँ बैंक ऑफ इंडिया में रात में कोई अज्ञात व्यक्ति घुसा पीछे से और उसने चोरी करने का प्रयास किया था। हम लोगों को सूचना मिली तो हमने जाके देखा कि वो जो बदमाश था उसने पीछे गैस कटर की मदद से ताले काटे और फिर चैनल का गेट का ताला काटा और फिर स्ट्रांग रूम का ताला काटा और फिर स्ट्रांग रूम में तिजोरी और उसके बाजू में जो अलमारी थी कैश की उसको काटने का प्रयास किया था उसने और फिर वो असफल रहा उसमें किया। और हमारे पास घटना की रात से ही कुछ संकेत थे उन पे और हमारी जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होता है उसके ऊपर वर्क करके फिर 1 तारीख को हमने एक बदमाश को पकड़ा। वो खंडवा में सम्मति नगर का रहने वाला राजकुमार नाम है उसका। उससे पूछताछ की हमने अपने जो हमारा आधार था उसके ऊपर तो उसने अब घटना कबूली। उसकी तलाशी की बैग की तो उसमें 1,54,500 रुपये निकले और बहुत सारा नकबजनी का सामान निकला था। उसने बताया कि उसने अभी 1 रात पहले 31 तारीख की रात में सुबह खंडवा में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में उसने एटीएम काटा है और उसमें से पैसा निकाला है। दोपहर न्यूज के लिए खरगोन जिले के बड़वा से गोविंद शर्मा की रिपोर्ट।